दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। गुरुजी मैं आपको अपना कुछ अनुभव बताना चाहूँगा। गुरुजी मैंने आज से 3 साल पहले ताड़क साधना करी थी, जो कम से कम मैंने 1.5 से 2 साल लगातार करी थी बिना कोई ब्रेक के। मैंने रोज ये साधना करी थी, एक भी दिन छोड़े। गुरुजी ये पहले मैंने 1 3 इंच के ब्लैक घेरे पर करी थी, जो कि वो घेरा गायब हो जाता था और एकदम सूरज के प्रकाश की तरह एकदम चमकने लग जाता था। 1 महीने मैंने उस पर करी, फिर मैंने 1 इंच के घेरे पे करी, 1 के सिक्के के बराबर का ब्लैक घेरे पे करी। उसके साथ भी ऐसे होता था, एकदम सूरज के समान प्रकाश उसमें से निकलता दिखता था, मेरी आँख देख भी नहीं पाती थी, इतना तेज प्रकाश निकलता था। 1 महीने मैंने उस पर करी और फिर मैंने 1 काली मिर्च के बराबर के डॉट पे करी। ये मुझे गुरुजी 1 महीने करनी थी ये मुझे इस पर, लेकिन मैंने 1 महीना मेरा पूरे होने के बाद ये मैंने साधना लगातार कंटिन्यूसली रखी। फिर भी ये मैंने साधना 1 साल तक करी ब्लैक डॉट पर, लेकिन वो कभी गायब होता, कभी आता, कभी उसके अंदर से एक इतनी तेज प्रकाश निकलता, बहुत तेज। गुरुजी इस साधना को मैं करते हुए समय अपनी आंखों की पलक 50 मिनट तक नहीं झपकाता था, 50 मिनट तक। और ये कम से कम मैंने 1.5 साल करी है, लेकिन करने के बाद भी मुझे आज भी मैं किसी मूर्ति वगैरह को कि किसी फ़ोटो वगैरह को देखता हूँ तो उसके अंदर से प्रकाश मुझे दिखाई देने लगता है सफ़ेद कलर का। लेकिन फिर भी मुझे ये साधना में मुझे लगता है कि मुझे सफलता नहीं मिल पाई। ऐसा क्यों हुआ गुरुजी, ये आप मुझे प्लीज बताओगे? गुरुजी एक साधना मैंने और करी थी, मैं अपनी कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश कर रहा था बीज मंत्रों से, जैसे रम वाम यम ऐसे बीज मंत्रों से। लेकिन गुरुजी ये 4th चक्कर पे जैसे मैं पहुंचता हूँ, जब भी मेरी कमर में इतनी तेज़ दर्द होने लग जाता था, बहुत तेज़ दर्द होने लग जाता था, बहुत दर्द 4 से 5 दिन तक जाता ही नहीं था और ये उससे ऊपर ही नहीं बढ़ पाता था। और मुझे अपनी कमर में हल्के हल्के से छोटे छोटे वाइब्रेशन सा महसूस होने लगते थे चक्रों पे। ये आप मुझे बताओगे जी ऐसा क्यों हो रहा है? और गुरुजी मैंने अप्सरा साधना के भी मैं मंत्र वगैरह कभी कभी जाप करता हूँ, और पहले मैं कर्ण पिशाइनी साधना के भी मंत्र जाप करता था, लेकिन साधना कभी मैंने नहीं करी। लेकिन मैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन, 10-10 दिन मंत्र जाप करता हूँ कभी कभी। गुरुजी मैंने 6 महीने का एक मैजिक मंत्र यूज़ करने की कोशिश करी थी, मैंने उसे 3 बार जागृत किया था 21-21 दिन पे, लेकिन वो हुआ ही नहीं। और उल्टा मैं इतनी तकड़ी मुझे एक बीमारी हो गई जिसका नाम मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन अब वो बीमारी से मैं छुटकारा मुझे मिल चुका है। ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं हुई थी खैर, लेकिन उस बीमारी की मुझे 6 महीने तक दवाई खानी पड़ी थी। वो मंत्र मैं सिद्ध कर रहा था, 21 दिन की साधना थी वो, मेरे को 1 बार में नहीं हुई, वो 2 बार में नहीं हुई, मैंने 3 बार जैसे ही करी तो मैं बहुत तकड़ा बीमार पड़ गया, जिसका मुझे 6 महीने तक इलाज करवाना पड़ा। तो गुरुजी आप मुझे बता सकते हैं ये इतनी कि मैं किसी भूत प्रेत को कैसे देख सकता हूँ कि इस साधना की वजह से? क्योंकि ये मेरा सपना है कि मैं भूत प्रेतों को देखूँ और बातें करूँ उनसे, ये मैं अपना सपना कैसे पूरा कर पाऊँगा? आप प्लीज़ बता सकते हो गुरुजी, बताइए। और गुरुजी आप चैनल पे मेरी आईडी और मेरा नाम वगैरह ना बताइए, ना बताना प्लीज़। और आप मेरी ताड़क साधना के बारे में भी बताना कि मैं इसमें कैसे सफल हो सकता हूँ। आज मुझे कम से कम 3 से 4 साल हो गए हैं उसे साधनाओं को करते करते, लेकिन अब मैं लगातार नहीं करता, जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट
कर लेता हूँ, लेकिन अब मैं उसे कंटिन्यूसली नहीं करता। मैं खाली कंटिन्यूसली मैंने 2 साल तक ही करी थी उसे लगातार। आप मेरे सवालों का जवाब दे देना गुरु जी वीडियो के जरिए। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अभी आपने सुना, ये एक साधक हैं और इनका कहना है कि इन्होंने 3 से 4 साल तक जो है त्राटक साधना की है। तो उसमें अलग अलग घेरों को बना करके उसमें देखने पर इन्होंने अलग अलग तरह के इनको अनुभव हुए, लेकिन इसकी सिद्धि नहीं हुई। तो देखिए, त्राटक साधना के बारे में मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। इसके अलावा इसकी एक विशेष विधि होती है, यूं ही नहीं की जाती है, और बार बार उसकी विधि विधान को बदलना भी नहीं चाहिए। जो सबसे बड़ी कमी आपके उसमें समझ में आ रही है मुझे, वो है कि आपका विधि विधान बार बार बदल रहा है। आपने किसी पुस्तक से पढ़ के ही साधना शुरू की होगी, या फिर कोई आपका गुरु अगर नहीं है तो आप इसको गुरु के सानिध्य में करना चाहिए था आपको, वो भी सिद्ध गुरु के द्वारा, और ऐसे सिद्ध गुरु जो त्राटक साधना के विषय में विशेष रूप से जानते हों। त्राटक का मतलब होता है देखना, और देखना ऐसा कि देख, जैसे हम लोग अंतरतम में देखते हैं, ऐसे हम बाहरतम में भी देखते हैं। यानी कि आपने जैसे अंदर अपने शरीर में हम देखते हैं जब कोई साधना करते हैं तो आँखें बंद करके, इसी तरह जब प्रकृति में उस शक्ति को, उस पावर को देखने की कोशिश की जाती है प्रकाश के रूप में, उसको त्राटक कहा जाता है। त्राटक की बहुत सारी विधियाँ, ये अंतरतम से लेके बाहर निकालने की क्षमता हो, तो किसी भी चीज़ में आप प्रकाश को देख सकते हैं, यानी कि परमात्मा की शक्तियों को आप उसके अंदर देख सकते हैं श्वेत प्रकाश के रूप में। तो आपने अनुभव भी बताया कि श्वेत प्रकाश आपको दिखाई पड़ता है, और आपको मूर्तियों के रूप में भी, उसमें किसी भी मूर्ति पर लगातार आप जब त्राटक देखते हैं तो उस पर श्वेत प्रकाश आपको दिखाई पड़ता है। तो श्वेत प्रकाश का दिखना, ये तो लक्षण सही है कि आप सही जा रहे थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि इसमें आपने कोई, इसका जो विधि विधान है वो क्लियर नहीं है। त्राटक का जो है कोई आधारित बिंदु नहीं, ये बहुत लंबी जाने वाली साधनाएं हैं, क्योंकि मूल उद्देश्य इसमें कुछ होता ही नहीं। अगर आप किसी एक विषय वस्तु को लेकर के चलेंगे तो आप कामयाब होंगे, अगर कोई विषय वस्तु लेके नहीं चलेंगे। विषय वस्तु का कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप सम्मोहन करना चाहते हैं तो आपको सम्मोहन ध्यान में रखना होगा अपने जब ये साधना करते हैं। अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं तो आपको ये वशीकरण ध्यान में रखना होगा। अगर आप यूं ही सिर्फ त्राटक कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे सिद्धि, ऐसी कोई सिद्धि मिल जाए जो सब कुछ जो है जिसके अधीन हो जाए, तो फिर आप एक लंबी प्रक्रिया के आधार पर आ गए हैं, और लंबी प्रक्रिया का कोई समय अंतराल नहीं है। आप कितना लंबा भी वो प्रक्रिया जा सकती है, इसलिए 3-4 साल आपने जो मेहनत की वो सब बेकार नहीं हुई है, बल्कि आप उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं जितना आपको बढ़ना चाहिए था। तो आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा, ये सब गुरु बताता है। इसीलिए मैंने कहा इस साधना के लिए भी आपको गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन एक तरफ आप, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आपने कर्ण पिशाचनी की साधना भी की, अप्सरा की साधनाएं भी हल्के फुल्के किए, और लगातार 3-3, 4-4, 5-5 दिन करते रहते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये मिक्स तरह से हिसाब नहीं बनता है, आपको जो करना होगा एक करना होगा, और तब तक करना होगा जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए। क्योंकि 10 पाँव पे अगर आप 10 नावों पे अपने पाँव रखेंगे तो आप किसी एक नाव से भी पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक ही नाव पर पाँव रख के ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। आपको सोचना होगा कि आपको कौन सी साधना करनी है, और जब तक वो सिद्ध नहीं होती है उसका पीछा नहीं छोड़ना होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि साधनाओं में ये विशेष आवश्यकता होती है कि आप कोई भी साधना करने जा रहे हैं, जब तक उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक आप उसको मत छोड़िए। अब रही बात कि आपने कहा कि आपको कर्णपिशाचनी भी करने की कोशिश की और बाकी साधनाएं भी आपने करी, उसमें सफलता नहीं मिली, तो वही वजह है कि आपने बहुत सारी साधनाएं की, किसी एक पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, आपको इसीलिए नुकसान हो गया। दूसरा, आपने बताया कि एक आपने साधना जो है मैजिक की करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से आपको बीमारी लग गई, तो बिल्कुल वही बात हुई, क्योंकि इतनी जगह आपने प्रयास कर दिया तो सारी शक्तियाँ एक तरह से आपस में लड़ने लगी। ये कई बार हो चुका है और कई लोग इस तरह की गलतियाँ करते हैं। उसमें हमेशा ये बात ध्यान रखने वाली होती है कि आप अगर कोई साधना कर रहे हैं और दूसरी साधना भी आपने करनी शुरू कर दी, उसी में तीसरी साधना भी उसी में करनी शुरू कर दी, तो आपस में अगर एक शक्तियाँ एक जैसी नहीं हैं तो आपस में लड़ना शुरू कर देंगी। इस वजह से आपको बहुत उसका नुकसान होगा, तो वो नुकसान बीमारी के रूप में, आपको आर्थिक हानि के रूप में, या आपको जो है ज़िंदगी में कष्ट के रूप में देखने को मिलता है। इसलिए
आप एक ही साधना को पकड़ के चलिए और उसको लक्ष्य केंद्रित कीजिए कि मेरे को ये साधना करनी है, और कितने दिन भी लगे, कितने भी जो है उसमें साधना में समय लग सकता है, लेकिन आपको सिद्धि प्राप्ति हो जाती है अगर आप एक लक्ष्य हिसाब बना के अपना चलते हैं। फिर आपने पूछा है कि आप जो है भूत प्रेत को देखना चाहते हैं, आपका एक लक्ष्य है कि भूत प्रेत आप जो है देखें, तो भूत प्रेत देखने के लिए आपको भूत प्रेत की साधना करनी पड़ेगी, या फिर कर्ण पिशाचनी की भी कर सकते हैं, लेकिन कर्ण पिशाचनी में हमेशा ये ध्यान रखें कि अपने साथ आप इतना बड़ा कवच लेके जरूर चलें साथ में कि कल वो कर्ण पिशाचनी आपको अपने इशारों पर न नचाने लगे। जो कर्ण पिशाचनी साधना में सबसे बुरा बात यही है कि आप उसके इशारों पर अगर नाचेंगे तो वो आपका बेड़ा गर्क कर देगी। अगर आप उसे कंट्रोल करना करने की क्षमता है तो कर्ण पिशाचनी साधना तो बहुत ही अच्छी साधना बताई जाती है, क्योंकि एकमात्र ये एक ऐसी साधना है जो सिद्ध जरूर हो जाती है। अगर आप प्रयास करते हैं कर्ण पिशाचनी के लिए तो वो निश्चित रूप से सिद्ध होती है, लेकिन उसको अपने वशीभूत करके रखने की क्षमता साधक में होनी चाहिए, अपने अधीन रखने की क्षमता उस साधक में अवश्य होनी चाहिए, और ये आती है सिर्फ बड़े जो हमारे देवी देवता हैं उनकी साधना करने वाला व्यक्ति ही, इतनी क्षमता उसके अंदर, इतनी ऊर्जा उसके अंदर आ पाती है, तभी वो उसको वशीकृत कर सकता है, वो अपने अधीन रख सकता है, उसकी बातों को ना सुनते हुए अपने आदेशों का उसको पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो ये भी जो है आपको आना चाहिए, ये विद्या आनी चाहिए, तभी आप कर्ण पिशाचनी करें। और अगर आप भूत प्रेत को देखने का आपका बहुत विशेष शौक है तो बहुत सारे छोटे छोटे तंत्र होते हैं, वो सब कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप स्वयं में प्रेत साधना भी कर सकते हैं। प्रेत साधना पे मैंने बहुत सारे पहले भी वीडियो बनाए हैं, उनमें से कोई भी आप प्रेत साधना कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा है तो मैं प्रेत साधना पर एक और वीडियो अभी जल्दी ही आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि प्रेत साधनाएं करने के लिए आपको जरूर इतना होना चाहिए कि आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए, तो आप पहले ही बड़े देवी देवताओं को इस तरह से जरूर सिद्ध कर लीजिए, ताकि आपको प्रेत की जो अगर आपसे सिद्ध हो तो आपको जो है उसके हाथ में मतलब हार नका का सामना ना करना पड़े, आप उसको अपने अधीन रख सकें। इसलिए इस चीज़ को ध्यान देते हुए प्रेत साधना करनी चाहिए। प्रेत साधना के लिए जितेंद्रिय हविष्यासी और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, इसी के साथ साथ आपको भगवान शिव का विशेष रूप से भक्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस शक्ति को भगवान शिव ही रोक सकते हैं, क्योंकि आप सिद्धि के लिए जा रहे हैं, आप सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो भगवान शिव, माता काली या भैरव जी, इन तीनों में से किसी एक की आपको, हनुमान जी इसलिए नहीं क्योंकि हनुमान जी उस सिद्धि को नहीं आने देंगे, उस सिद्धि को रोक देंगे, लेकिन भैरव, भगवान शिव और माता काली उस शक्ति को आने भी देंगे, वो आपकी गुलाम भी बनेगी और आपके अनुसार कार्य भी करेगी। तो इस तरह की आपको अपनी चेष्टाएँ करनी है जिससे आप आगे बढ़ सकें और कामयाब हो सकें। तो ये था इनका अनुभव, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।